बढ़ती कीमत ने आम लोगों को परेशानी में डाल दिया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टमाटर, आलू, प्याज सहित हरी सब्जियों के कीमत में जिस तरह से उछाल हुआ है, अब लोगों के थाली से ये धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। सब्जी इतनी ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है क्योंकि आम इंसान जनता कुछ खाए नहीं खाए, रोटी सब्जी तो वो नॉर्मली एक टाइम तो वो रहेगा ही, और जो एक टाइम की भी सब्जी आती है वो हमारे 300 से 400 रुपए ये वो पर डे का हो रहा है। पहले कम से कम हम लोग 8 या 10 हज़ार में हमारा फुल टोटल सामान आ जाता था महीने भर का, अब कम से कम 40 हज़ार रुपये आने लग गया, और अभी बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो रहा है, आम जनता तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती इन चीज़ों को। डबल हो गए खर्चे और हमारे को बहुत दिक्कत होती है, कमाई धंधे तो है नहीं और दाम इतने बढ़ रहे हैं, हद से ज़्यादा पार हो रहे हैं। जो आम आदमी 30 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा है वो अपने खाने पीने में अपनी नेसेसरी आवश्यकताएं कैसे पूर्ति करेगा, क्योंकि उसका बजट ही है ना, उसकी इनकम से बाहर निकल रहा है, तो कैसे मतलब इसको ये महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब्जी लेने जाते हैं तो कोई दिमाग भी काम नहीं करता है।